नवीन दहिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर है एमडीयू का, जो जून 2019 में अभी फ़िलहाल पेपर चल रहे हैं। पैडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स का पेपर है, पेपर फोर्थ एंड फिफ्थ ऑप्शनल पेपर है और एमडीयू का पेपर है। मैक्सिमम मार्क्स जो आपके 80 हैं और जो टाइमिंग वो 3 आवर्स का आपके पास टाइमिंग है। ये पेपर मुझे भेजा है शैलजा यादव और रचना ने, दो ने मेरे पास एमडीयू के मैथमेटिक्स के पेपर भेजे हैं। दोनों को बहुत ज़्यादा थैंक यू। एंड जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं जो बीएड फर्स्ट ईयर में मैथमेटिक्स के पेपर देखेंगे 2019 में, तो उनकी तरफ से भी आप दोनों को बहुत सारा थैंक यू। तो पेपर देखते हैं पैडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स का किस तरह से पेपर आया हुआ है। और एक रिक्वेस्ट आपसे और भी है, जो भी वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ अपने जो ऑप्शनल पेपर है, जो आपके टीचिंग सब्जेक्ट के पेपर है, वो मुझे प्लीज़ मेल कर दीजिएगा। आपका पेपर हुआ था एमडीयू का ही पैडागोजी ऑफ होम साइंस का, वो भी मुझे अभी तक नहीं मिला है। प्लीज़ आप मुझे मेल कर दीजिएगा जिसके पास भी है, जिसने भी पेपर दिया है। तो पेपर में किस तरह से क्वेश्चन आए हुए हैं वो देखते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो कंपलसरी है और इसमें से आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। पर क्वेश्चन 4 मार्क्स का है और किस तरह से क्वेश्चन आया हुआ वो देखते हैं। बीएड फर्स्ट ईयर का ये मैथमेटिक्स का पेपर है। फर्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्शन ऑफ कंटेंट इन द करिकुलम, पाठ्यक्रम में विषय वस्तु का चयन आपको करना है, बताना है 4 मार्क्स में। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, लक्ष्यों और उद्देश्यों में अंतर क्या है वो आपको बताना है 4 मार्क्स में। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन प्रोजेक्टिव एंड नॉन प्रोजेक्टिव टीचिंग एड्स, प्रेक्षी और गैर प्रेक्षी शिक्षण सामग्री क्या है और उनमें क्या अंतर है वो 4 मार्क्स में आपको बताना था। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, स्कोप ऑफ मैथमेटिक्स टीचर एसोसिएशन, गणित शिक्षक संघ का क्षेत्र क्या है, इसका क्या स्कोप है वो आपको बताना था 4 मार्क्स में। कंप्लीट हो गया ये वाला क्वेश्चन जो है 16 मार्क्स का। फिर देखते हैं वो यूनिट फर्स्ट का किस तरह से क्वेश्चन जो है वो आए हुए हैं। यूनिट फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 2 है, डिस्क्राइब द मेथड्स ऑफ राइटिंग ऑब्जेक्टिव्स इन बिहेवियरल टर्म विद एग्जांपल्स, व्यवहारिक पदों में उद्देश्य लिखने की विधियों का वर्णन सोदान कीजिए। अब आपको ये नहीं समझ आ रहा होगा ये किस तरह का क्वेश्चन है, तो ये ब्लूम से क्वेश्चन पूछा गया है। ब्लूम ने जो 3 पार्ट्स में इनकी डिवाइड की गई है, इनकी जो टर्म दी थी इन्होंने, क्रियात्मक, भावात्मक और व्यवहारात्मक, तो इन्होंने सिर्फ व्यवहारात्मक जो पक्ष हैं इसके उद्देश्य पूछे हैं, इसकी विधियाँ पूछी, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब इन डिटेल द हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स विद एम्फेसिस ऑन टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स, गणित शिक्षण पर विशेष बल देते हुए गणित के इतिहास की विस्तृत व्याख्या कीजिए। गणित के बारे में आपको बताना है, गणित आया कहाँ से है, किस तरह का सब्जेक्ट है, किस सब्जेक्ट से अलग होकर आया है, पूरी हिस्ट्री आपको इसके बारे में बतानी थी। किसने मैथ की स्टार्टिंग की, फादर ऑफ मैथमेटिक्स किसे कहा जाता है, सारा सब कुछ बताना था इसमें। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 4 और यूनिट है 2, ये भी आपको 2 क्वेश्चन गिवन होंगे इसमें और आपको सिर्फ 1 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, डिस्कस विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल एनालिटिक एंड सिंथेटिक मेथड्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स, गणित शिक्षण में विश्लेषणात्मक और संश्लेषणात्मक विधियों की सोदाहरण लिखिए। उदाहरण सहित आपको देना था विश्लेषणात्मक और संश्लेषणात्मक जो विधियां हैं इसके बारे में आपको बताना था विद एग्जांपल्स, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चंस हैं, पैडागोजिकल एनालिसिस ऑफ वॉल्यूम, टॉपिक दिया हुआ है आपको वॉल्यूम, जो आयतन प्रकरण का शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण कीजिए। आपको एक टॉपिक दे दिया पैडागोजिकल एनालिसिस का, इसके ऊपर आपको टॉपिक इसको आप कंप्लीटली पैडागोजी के ऊपर आपको इसमें बताना था 16 मार्क्स में। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 6 और जो आपका यूनिट है वो है 3, क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय ऑडियो विजुअल एड्स, व्हाट इज द देयर इम्पोर्टेंस इन टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स, डिस्कस द यूज ऑफ चार्ट्स एंड चॉकबोर्ड एज टीचिंग एड्स। देखिए 4 मार्क्स में किस तरह से डिवाइड किया गया है क्वेश्चन को और कम्प्लीटली बना दिया गया है 16 मार्क्स का, ठीक है। इस तरह से भी क्वेश्चंस जो है डिवाइड करके पूछते हैं यूनिट से। हिंदी में है,
श्रव्य दर्शनीय साधनों से आप क्या समझते हैं, गणित शिक्षण में इनका क्या महत्व है, सहायक सामग्री के रूप में चार्ट एवं चाक बोर्ड के उपयोग की विवेचना कीजिए। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 7, इम्पोर्टेंस ऑफ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ इन मैथमेटिक्स। सेकंड है इम्पोर्टेंस ऑफ आईसीटी इन टीचिंग ऑफ मैथ्स। 88 मार्क्स में पूछ रखा है, ये आपका ऑप्शन में है क्वेश्चन नंबर 7। गणित में मनोरंजनात्मक क्रियाओं की महत्व, और दूसरा है गणित शिक्षण में सूचना संप्रेक्षण तकनीकी का महत्व। ये 88 मार्क्स में पूछ रखा है क्वेश्चंस को। ये कम्प्लीटली 16 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसमें से आपको एक क्वेश्चन नहीं करना है बल्कि दोनों करने हैं क्वेश्चन नंबर 7th में। क्वेश्चन नंबर 8 है 4th यूनिट का, व्हाट आर द डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ इवेल्युएशन, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स टाइप टेस्ट इन मैथमेटिक्स, व्हाट आर इट्स मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। मूल्यांकन की विभिन्न विधियाँ कौन सी हैं, गणित अध्ययन में वस्तुनिष्ठ प्रशिक्षणों की व्याख्या कीजिए, और इसके गुण व दोष बताने हैं आपको। 8 मार्क्स में कंप्लीट हो गए 16 मार्क्स का क्वेश्चन। और इसका जो ऑप्शन में क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इन डिटेल द टाइप्स ऑफ इन सर्विस प्रोग्राम्स फॉर मैथमेटिक्स टीचर, गणित शिक्षक के लिए सेवाकालीन कार्यक्रमों की विस्तार से व्याख्या कीजिए, ये बताना था आपको 16 मार्क्स का क्वेश्चन। तो यूनिट वाइज आपको 2 क्वेश्चन गिवन होंगे इस तरह से, और आपको एक क्वेश्चन करना होगा। तो ये था मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर जो एमडीयू का बीएड फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन है। तो आप देख लेना, आपका भी अगर एग्ज़ाम है बीएड फर्स्ट ईयर का मैथमेटिक्स का, तो एक बार पैटर्न ज़रूर देखिएगा किस तरह से क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम। थैंक यू।